हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। कैसे दोस्तों आप सभी? सो दोस्तों पहली जो खबर आ रही है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में अगले आदेश तक सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को कर दिया है बंद। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी। ये देखिए, अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि सभी स्कूल्स जो कि प्राइवेट या सरकारी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। तो दिल्ली वालों बहुत मजे ले लिए, अब तुम्हारे से मजे लेने की बारी है। जी हाँ, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले वाले स्कूल्स बंद किए गए, इंडस्ट्रीज बंद की गई और उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन। सो दोस्तों अभी भी अलर्ट हो जाओ यार, कोविड बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप यार उससे बचें। थोड़ा सा बस थोड़ी सी प्रिकॉशंस बरतनी है, मास्क वास्क लगा के निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए दोस्तों, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। बस थोड़ी सी जो सावधानियां वो बरतनी है और इस जो बीमारी की जो दूसरी लहर है इसको भी हम निपटा देंगे दोस्तों। CRPF के कोबरा कमांडो राकेश्वर मन्हास भाई को नक्सलवादियों ने छोड़ दिया है, इसकी जानकारी कल रॉयल सोल्जर भाई ने दी थी और मीडिया में भी आ ही चुका है। उन्होंने अपनी वीडियो में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि क्यों और किन पॉइंट्स पे उनको जिंदा छोड़ा गया। तो बारीकी से उनके पॉइंट समझिएगा, उनकी वीडियोस की कुछ क्लिप डाल रहा हूँ आप देखिए। साथ दोस्तों उन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसमें बताया है कि CRPF और इंडियन आर्मी के जॉइंट ऑपरेशन से 7 पाकिस्तानी जो आतंकवादी है वो मार गिराए गए हैं, और इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो रात को 9 बजे वो अपने चैनल पे लेके आएंगे, उसको जरूर देखिएगा यार आप। एक जवान जिसकी गोलियां खत्म हो गई थी, जब इसने सुरक्षित जगह देखी, अपनी डायरेक्शन चेंज करी, अपने मौके को वहां से चेंज किया, तभी इनकी इनके ऊपर नजर पड़ गई वहां के लोकल लोगों की, जिनकी सूचना पे उन लोगों ने, माओवादियों ने इनको ले लिया अपने कब्जे में और बंदी बना के ले गए। कौन था इसके पीछे, कहाँ से सूचनाएं पहुंचती हैं लोगों के पास कि इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? नक्सलवादियों ने सबसे पहले कांटेक्ट किया था मीडिएटर के तौर पे एक जर्नलिस्ट का। सबसे बड़े क्वेश्चन मार्क मेरा उठता रहा है जर्नलिस्ट के ऊपर भी, क्या ये कुछ जर्नलिस्ट मिले रहते हैं इन लोगों से कि यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ, और बाद में हीरो बनने के लिए, TRP लेने के लिए मैं तुम्हें खबर दूंगा, तुम अपना काम करना, और जब एक को पकड़ोगे तो पहले खबर मुझे देना, मैं हीरो बनकर उसको अपनी बाइक पे बैठा के लेके आऊंगा और मेरा चैनल का नाम होगा। तो अगली जो खबर है वो है RKR हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के बारे में। उनकी नया जो उनका हॉन्टेड व्लॉग है, उनकी जो नई वीडियो है वो आ गई है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो आप चाहे जाके देख सकते हो दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी हॉन्टेड व्लॉग देखो तो यार उसे हो सके तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखो। आपके साथ रिक्वेस्ट ये भी कर रहा हूँ मैं यार आप सभी से कि बच्चों को इससे दूर रखें। आपका भाई खड़ा एक लोकेशन पे, लोकेशन दोस्तों बहुत ही डेंजरस है यार, सच बता रहा हूँ। कुत्तों की आवाज है इस तरफ के अंदर, ये पाल नजर आ रही होगी। यहाँ की स्टोरी एक भाई ने बताई थी, RKR भाई इस लोकेशन पे आओ, यहाँ पर एक चेक पोस्ट है चेकना का। 7 बजे बाद इस रोड पर कोई बाथरूम करने भी नहीं रुकता भाई। इस तरफ से चीखने की आवाज आ रही है अशोक भाई, पहले भी आई थी उससे पहले सामने जगह है, ये देख रहे हो पूरी रोड सुनसान है। अजीब सी चीजें यार, कोई है? वो व्यू क्या बन रहा है वहां पर, अजीब सा बन रहा है। अंदर चल के देखते एक बार। उस टाइम पहले जो सचिन तेंदुलकर थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे अब, और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे, अब वो वापस आ गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका पोस्ट डालकर ये बताया कि वो वापस आ चुके हैं। अलवेश यादव, अमित बडाना और राउंड टू हेल की नई वीडियोस आ चुकी हैं, आप चाहे तो जाके उनके यूट्यूब चैनल्स पर चेकआउट कर सकते हो। तीनों की वीडियो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यार उनकी जो ये वीडियो जो नई आई है 12 मिलियन के आसपास उस पर व्यूज़ आ चुके हैं एक ही दिन में, और करीबन 2.1 मिलियन के लाइक्स भी आ चुके हैं, जो कि मतलब फास्टेस्ट लाइक्स कह लीजिए। ज़ॉम्बी द लिविंग डेड उस वीडियो का टाइटल है, और बड़ी ही मस्त बनी हुई है, कॉमेडी हॉरर कॉमेडी कह लीजिए ज़ॉम्बीज के ऊपर। बट ये है कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ईयरबड्स लगा के देखिएगा, बच्चे ना देखें तो अच्छा है यार थोड़ा सा। तो
सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर कुछ इस वीडियो में आपको गलत लगा हो या कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।